Hi and welcome to the Alliance Education's channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Education. So this is 9th lecture of Structure of Atom. In this lecture, we are going to study about energy of an electron and quantization of energy of an electron and failure of Bohr model and numerical based on energy of an electron. First of all, I want to tell you about Alliance Education. Alliance Education has now brought education to your doorstep. We have admissions open for both online and classroom programs. How will you benefit? We provide notes, worksheets and lecture PDFs which help in revision. Weekly tests and quizzes keep you prepared. We also provide full online support via video calls. Our lectures have short tricks and easy to remember concepts which make your base strong and learning easy. So hurry up and register. Previous lecture mein हमने देखा था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, आज हम उसे ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमने देखा था कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम, वेयर जेड स्टैंड फॉर एटॉमिक नंबर एंड एन रिप्रेजेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और नंबर ऑफ ऑर्बिट, वी कैन से नंबर ऑफ ऑर्बिट। सिमिलरली अगर हम यूनिट चेंज कर दे तो इसकी वैल्यू हो जाती है -21.8 × 10⁻¹⁹ और वी कैन से -2.18 × 10⁻¹⁸। इनका यूनिट क्या रहेगा? जूल। एंड साथ में सॉरी यहाँ पे जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर चाहिए, वैल्यू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, यूनिट क्या रहेगा? जूल पर एटम। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया है। सो अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त कुछ कॉन्सेप्ट जो यूजफुल रहेंगे। सपोज अगर हम Z को कांस्टेंट रखें, Z कांस्टेंट है मतलब फॉर सेम एटम, सेम टाइप ऑफ एटम की अगर बात हो रही है तो वी कैन से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -1/n². अब तक तो इनवर्स रिलेशन तो हमें समझता था, बट माइनस साइन आ गया है यहां पर साथ में। सो इसका मतलब क्या हुआ? रिमेंबर, अगर हम दो ऑर्बिट की बात करें, दो डिफरेंट ऑर्बिट की, वी से E1, तो E1 किसके लिए हो जाएगा? प्रोपोर्शनल टू -1/n² एंड E2 क्या हो जाएगा? इट इज प्रोपोर्शनल टू -1/n² सो अगर हम E1 by E2 लिखते हैं तो क्या मिलेगा? E1 by E2 इज इक्वल्स टू -1/n² डिवाइड बाय -1/n² देन माइनस माइनस कैंसल, क्या बचेगा हमारे पास? ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, n² / n² सो दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशन। E1 by E2 इज इक्वल्स टू n² / n² E1 by E2 इज गिवन बाय n² / n² कब? अगर z एटॉमिक नंबर कांस्टेंट है, सेम एटम की अगर हम बात कर रहे हैं। बट माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है यहां पर, इसका मतलब क्या होगा? अच्छे से समझ लीजिए इसे। रिमेंबर, एनर्जी इंक्रीजेस एज एन इंक्रीजेस। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है तो एनर्जी भी बढ़ रही है, हमें पता है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी कितना होता है, इट इज -13.6। देन सेकेंड ऑर्बिट, देन थर्ड ऑर्बिट, इसके लिए भी हमने एनर्जी देखी है और हमने देखा है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। सेकेंड ऑर्बिट के लिए क्या होता है? इट इज व्हाट फॉर सेकेंड ऑर्बिट? इट इज -3.4। फॉर थर्ड ऑर्बिट इट इज -1.5। सो आप देख रहे हो एनर्जी बढ़ रही है, जैसे जैसे हम आगे जाते हैं एन की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। एन की वैल्यू 1 है तो एनर्जी है -13.6, एन की वैल्यू 2 है तो एनर्जी है -3.4 एंड फॉर एन इक्वल टू 3 -1.5। मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में आपको ये वैल्यूज लर्न करनी है। सो हम देखते हैं एनर्जी जैसे जैसे बढ़ रही है, सॉरी एन की वैल्यू जैसे बढ़ रही है एनर्जी भी बढ़ती है। देन इसी रिलेशन को अगर हम आगे कंटिन्यू करें, हमने क्या देखा? एनर्जी इज -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। सो अगर हम सेम ऑर्बिट की बात करें, अगर हम एन को कॉन्स्टेंट रखें, एन कॉन्स्टेंट रखते हैं, सो जेड के साथ क्या रिलेशन होता है? वी कैन से एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -z²
energy is directly proportional to what? Minus z square. So for one type of atom, energy है E1 is proportional to minus z1 square. And for second type of atom, energy is proportional to minus z2 square. अगर हम दोनों को combine करें तो हमें क्या मिलेगा? We can write E1 by E2 equal to minus z1 square by minus z2 square. So minus minus cancel हो जाएगा and हमें मिलेगा E1 by E2 is equals to z1 square by z2 square. ठीक है, लेकिन यहां पे ये तो रिलेशन हमें मिल गया जो न्यूमेरिकल में हमारे काम आने वाला है. न्यूमेरिकल में ये आपके और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि कैसे इनको यूज करना है. ठीक है, n मतलब ऑर्बिट कांस्टेंट है, तब एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू माइनस जेड स्क्वायर, माइनस एटॉमिक नंबर का स्क्वायर. बट माइनस साइन क्या बता रहा है कि एनर्जी डिक्रीजेस एज जेड इंक्रीजेस. अगर हम एटॉमिक नंबर बढ़ाते हैं तो एनर्जी डिक्रीज होती है. ये चीज अच्छे से समझ लीजिए, एटॉमिक नंबर बढ़ने के वजह से एनर्जी डिक्रीज होती है. एग्जांपल से देख लेते हैं हम यहां पर. फॉर हाइड्रोजन अगर हम एनर्जी की बात करें हाइड्रोजन के लिए, तो यहां पर एनर्जी का फॉर्मूला है -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर. सो हाइड्रोजन के लिए -13.6, जेड की वैल्यू भी 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है एंड इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट ऑर्बिट में ही होता है. सो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाती है वैल्यू. लेकिन अगर हम यहां पर थोड़ा चेंज करें, से हीलियम की बात करें, यहां पे हम किसकी बात करें? हीलियम की बात करें. सो -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर फॉर्मूला है. सो -13.6 हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर है 2. सो जेड की वैल्यू हम 2 रखेंगे. यहां पर इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट ऑर्बिट में ही है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में ही है. सो ये हो जाएगा 2 जा स्क्वायर बाय 1 जा स्क्वायर. सो -13.6 इंटू 4 यहां पे कितना हो जाएगा? ये हमें मिलेगा मल्टीप्लाई करने पे 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हम देख रहे हैं माइनस में वैल्यू बढ़ रही है, मतलब डिक्रीज हो रहा है. एनर्जी डिक्रीजेस एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस. आई होप ये आपके क्लियर हो गया है कि एनर्जी एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ डिक्रीज होने लगती है. सो यहां पे हम अगर एनर्जी कंपेयर करें डिफरेंट एटम्स के बीच में, अगर हमें एनर्जी कंपेयर करना है तो हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी ऑर्डर क्या होना चाहिए? एनर्जी ऑर्डर की अगर हम बात करें तो एनर्जी ऑर्डर, हाइड्रोजन की एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में सबसे ज्यादा है, हम एन कॉन्स्टेंट रखते हुए बात करें फर्स्ट ऑर्बिट के लिए. देन हीलियम पॉजिटिव आयन की, देन लिथियम +2 आयन की, देन बेरिलियम +3 आयन की. मींस जैसे जैसे हम देख रहे हैं एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एनर्जी डिक्रीज होगी. तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से इलेक्ट्रॉन की है? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज्यादा है. सो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है. अब हम बढ़ते हैं आगे, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. सो सी ये अच्छे से समझिए, इस पे बेस्ड रहेंगे सारे न्यूमेरिकल्स. ग्राउंड स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन है, ग्राउंड स्टेट में सपोज ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हमारे पास दिया हुआ है. ग्राउंड स्टेट में अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सो कोई एमिशन नहीं होगा, एनर्जी का एमिशन नहीं होगा, इसमें से एनर्जी एमिट होगी नहीं. सो इन ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एटम इज मिनिमम. एनर्जी कैसी रहती है? उसकी मिनिमम रहती है. एंड हाइड्रोजन के लिए ग्राउंड स्टेट है 1. एंड हाइड्रोजन के लिए ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर. सो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी -13.6, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 एंड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में. सो ये हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ओनली. सो आई होप आपको ये समझ में आया कि ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन की एनर्जी मिनिमम है, मतलब ग्राउंड स्टेट में कभी भी उसकी एनर्जी कैसी होती है? मिनिमम होती है. जैसे हम एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे या हायर स्टेट में जाएंगे तो एनर्जी बढ़ने लगेगी. सी इन एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल ग्रेटर देन N1, इसे एक्साइटेड स्टेट कहते हैं. एंड एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी बढ़ने लगती है. सो न्यूक्लियस, इसके पास N की वैल्यू अगर हमने फर्स्ट ऑर्बिट रखा तो ये हो गया ग्राउंड स्टेट. ये क्या हो गया? ग्राउंड स्टेट. दिस इज कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट. बट इसके आगे हम जैसे ही जाते हैं,
सो एन इक्वल टू टू, एन इक्वल टू थ्री, एन इक्वल टू टू, एन इक्वल टू थ्री, एन इक्वल टू फोर, इन्हें कहा जाता है एक्साइटेड स्टेट, इन्हें एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है। एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। देन एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है, सी समझते हैं हम इसे। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट ऑर्बिट, अगर हम बात करें हाइड्रोजन, किसकी बात करते हैं हम, हाइड्रोजन की बात करते हैं, ठीक है। सो हाइड्रोजन के लिए दिस इज एन इक्वल टू वन, देन जो फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट है इनका डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, एंड उसके बाद में देन एन इक्वल टू थ्री, चलो तीन ही ऑर्बिट की हम बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट क्या होता है, इट इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। देन एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन कितना था, आपको मैंने याद करने के लिए कहा था, इट इज माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। एंड एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट इट इज माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये याद कर लूंगे आप वैल्यू तो आपको काफी इजी हो जाएगा, माइनस 13.6, माइनस 3.4, माइनस 1.5। सो तीन के लिए हमने देखा। सो हमें पढ़ना क्या है, एक्साइटेशन पोटेंशियल, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से उसे अगर कोई भी एक्साइटेड स्टेट में भेजना है तो उसको हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ऑब्वियसली जो उसकी एनर्जी है, जिस जो ऑर्बिट में बनाए रखी है एनर्जी, उसको ओवरकम करने के लिए, उसको एक्साइट करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। सो अगर हमें फर्स्ट, मतलब सॉरी, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में हमें भेजना है, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में हमें उसे भेजना है, मतलब एन इक्वल टू वन से एन इक्वल टू टू में अगर हमें ट्रांजिशन करवाना है, एन इक्वल टू वन से एन इक्वल टू टू में अगर हमें ट्रांजिशन करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो एनर्जी लगेगी इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, एंड इट इज गिवन बाय E2 माइनस E1, एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट, उतनी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। हायर ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है, माइनस 3.4, माइनस E1 की वैल्यू कितनी है, माइनस 13.6, सो माइनस 3.4, माइनस माइनस प्लस 13.6, सो सब्सट्रैक्ट करने पे क्या मिलेगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। मीन्स इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे है, इसे हम यहां पे रेडिएशन हुआ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, एंड यहां पे इसे एनर्जी मिलती है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो ये फर्स्ट स्टेट से, मतलब ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में चला जाएगा। अगर हमें बात करना है सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट की, सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट और सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल की हम बात करें, सो सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल मीन्स एन इक्वल टू वन से हम एन इक्वल टू थ्री में ट्रांजिशन करवा रहे हैं। सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल मीन्स यहां पे क्या कर रहे हैं, कितनी पोटेंशियल मीन्स हमें कितनी एनर्जी उसे प्रोवाइड करनी है, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोवाइड करना है हमें बताना है। सो फर्स्ट टू थर्ड ट्रांजिशन अगर हो रहा है, सो थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल कैसे मिलेगा, E3 माइनस E1, E3 की वैल्यू है माइनस 1.5, माइनस E1 की वैल्यू है माइनस 13.6, सो इट इज माइनस 1.5 माइनस माइनस प्लस 13.6, तो सब्सट्रैक्ट करने पे हमें मिलता है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आप देख सकते हो फर्स्ट से सेकंड में ट्रांजिशन करना है तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें पोटेंशियल देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। बट फर्स्ट टू थर्ड ट्रांजिशन के लिए अगर हमें थर्ड ट्रांजिशन करना है तो यहाँ पे 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ज्यादा एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन और हायर ऑर्बिट में जंप करेगा। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है, जैसे हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जंप करेगा, इट मींस इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। देन आयोनाइजेशन एनर्जी, सी आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है, इट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बाइंडिंग ऑफ द न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से बाउंड है, ये हमें माइनस साइन से ही पता चलता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है, एनर्जी हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट करें, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, तो माइनस साइन क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, सो उसको न्यूक्लियस के बाइंडिंग से फ्री करने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसे कहा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी।
सपोज अभी यहाँ पे बाउंड स्टेट में है तो उसकी एनर्जी कितनी है, इट इज -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अगर इसे फ्री कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे जाएगा, सो इस पे इन्फिनिटी पे इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। इन्फिनिटी पे एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। सो अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि इसका ट्रांजिशन करना है ना, बेसिकली हमें इस बार फर्स्ट टू सेकेंड या फर्स्ट टू थर्ड ऑर्बिट में ट्रांजिशन नहीं करना है, फर्स्ट से डायरेक्ट हम उसे इन्फिनिटी पे भेजना है। इन्फिनिटी मतलब जहां पे कोई न्यूक्लियर पावर उसे अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। सो सेम हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यहां पे लिखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे मिलेगा, एनर्जी एट इंफिनिटी माइनस एनर्जी एट पर्टिकुलर ऑर्बिट। सो एनर्जी एट इंफिनिटी इज जीरो माइनस पर्टिकुलर ऑर्बिट में एनर्जी कितना होता है, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। सो इट इज +13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो यही होता है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी। सो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इट इज पॉजिटिव। जो बाइंडिंग, जो उसकी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो ग्राउंड स्टेट में है उसको अगर हम पॉजिटिव में लिखे तो वो क्या रहेगा, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी। मींस माइनस में है इट मींस वो इट इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, माइनस में है इट मींस इट इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। और उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी हम प्रोवाइड कर देंगे तो वो फ्री हो जाएगा। जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन में है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड है, सो न्यूक्लियस से बाउंड इलेक्ट्रॉन में जितनी एनर्जी है उतनी ही इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी हम उसको दे देंगे तो वो फ्री हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। सो रिमेंबर, आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे मिलता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में है उसी को ही अगर हम साइन में चेंज कर दे तो वो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। अब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर हम ई लिखे सो इट इज गिवन बाय चार्ज इंटू पोटेंशियल, इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट इज यूनिट ऑफ एनर्जी, चार्ज इंटू पोटेंशियल। सो यहां पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैसे मिलेगा हमें, सो आयोनाइजेशन एनर्जी, सी एनर्जी की जगह हम लिख रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी इज चार्ज, चार्ज इज डिनोटेड बाय ई एंड पोटेंशियल हम लिखेंगे इसको वी आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अगर एनर्जी आयोनाइजेशन है तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सो इससे आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैसे मिलेगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज, डिवाइडेड बाय चार्ज। सो इससे हमें मिलता है आयोनाइजेशन एनर्जी। देन नेक्स्ट है सेपरेशन एनर्जी। सो व्हाट इज सेपरेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू इंफिनिटी। सी सेपरेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस है। आयोनाइजेशन एनर्जी कब, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट से हम इंफिनिटी पे भेज रहे हैं, सो जो एनर्जी वहां पर लग रही है वो रहेगा आयोनाइजेशन एनर्जी। सी यहां पे न्यूक्लियस एंड दिस इज ग्राउंड स्टेट, इसे हम सपोज मान रहे हैं ग्राउंड स्टेट। सो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से जा रहा है इंफिनिटी पे, कहां पे जा रहा है, इंफिनिटी पे। सो यहां पे जो एनर्जी लग रही है इट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी, इसे क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है, कहां पर है, एक्साइटेड स्टेट में है, और एक्साइटेड स्टेट से हम इंफिनिटी पे भेज रहे हैं तो जो एनर्जी लगती है उसे कहा जाता है सेपरेशन एनर्जी। सिंपल है, इट इज कॉल्ड एज सेपरेशन एनर्जी। सो सेपरेशन एनर्जी के लिए हम फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, सेपरेशन एनर्जी इज गिवन बाय एनर्जी एट इंफिनिटी विच इज जीरो माइनस एक्साइटेशन एनर्जी। सो इट इज नथिंग बट द प्लस एक्साइटेशन एनर्जी, क्योंकि इंफिनिटी पे एनर्जी तो जीरो होने वाली है। एंड बाइंडिंग एनर्जी, नेक्स्ट इज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, एनर्जी रिलीज्ड इन ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी ऑर्बिट इज कॉल्ड इट बाइंडिंग एनर्जी। सी डिफाइन कैसे किया है मैं उसको पहले बता देता हूं, फिर इसका मतलब क्या एक्चुअल वो हम देखते हैं। सपोज ये न्यूक्लियस है, अब इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पे, इंफिनिटी पे इस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहे, मानेंगे हम इसकी एनर्जी क्या है, जीरो।
इन्फिनिटी पे, हम मानते हैं इन्फिनिटी न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो है। अब इनफाइनाइट डिस्टेंस से हम उसे एक फिक्स्ड ऑर्बिट तक लेकर आ रहे हैं, न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पे अगर हम लेकर आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन एनर्जी खर्च करेगा और आर डिस्टेंस पे आएगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, यहां पर डिक्रीज होगी। एनर्जी जीरो से भी डिक्रीज हो रही है, मतलब इसमें से एनर्जी रिलीज हो रही है। सो जो एनर्जी रिलीज हुई इन ब्रिंगिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी ऑर्बिट इज कॉल्ड एज इट्स बाइंडिंग एनर्जी। उसे हम क्या कहते हैं, उसकी बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। एंड देखिए, आपको न्यूमेरिकल में ये कॉन्सेप्ट काम आएगा, मैं आपके लिए लिख देता हूं। अगर हमें बोला जाता है कि किसी इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से रिमूव करना है, सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय बाइंडिंग एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी। दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी एनर्जी उसे प्रोवाइड करनी है, अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो। सो क्वेश्चन से हम वो अच्छे से समझ लेंगे। और अब आ जाते हैं फेलियर ऑफ बोर्स मॉडल। जस्ट इनलिस्ट किया हुआ है, हम देख लेते हैं। सो बोर थ्योरी वॉज वेरी सक्सेसफुल इन प्रेडिक्टिंग एंड अकाउंटिंग द एनर्जी ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा, बट इट कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम कंटेनिंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। क्योंकि बोर थ्योरी जो है इसने सिर्फ हाइड्रोजन एटम को लेकर एक्सप्लेन किया हुआ है, इसने जो सारी थ्योरी एक्सप्लेन की गई है वो किसको कंसिडर करते हुए, ओनली हाइड्रोजन एटम को कंसिडर करते हुए। बट ऐसे एटम जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके लाइन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल नहीं रही। दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइन। अगर मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइन प्रेजेंट है सो ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। देन दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में अगर स्पेक्ट्रा लेकर गए, इट इज कॉल्ड एज जीमैन इफेक्ट। रिमेंबर, जीमैन इफेक्ट क्या होता है, अगर हम स्पेक्ट्रा को मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जाते हैं तो स्पेक्ट्रा फर्दर स्प्लिट होने लगता है, स्पेक्ट्रा जो है उसका स्प्लिटिंग होने लगता है, इट इज कॉल्ड एज जीमैन इफेक्ट। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर जा रहे हैं तो भी स्पेक्ट्रा जो है स्प्लिट होने लगता है, इसे कहा जाता है स्टार्क इफेक्ट। सो स्टार्क इफेक्ट एंड जीमैन इफेक्ट जो है इसका एक्सप्लेनेशन नहीं था। इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन वॉज ऑल्सो नॉट एक्सप्लेन बाय बोर एटोमिक मॉडल। देन द थियरी वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। हम पढ़ेंगे आगे डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर में, उसमें बताया गया है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। जैसे इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर है कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, सो ये एक्सप्लेन नहीं किया गया। दिस थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल नेक्स्ट टॉपिक रहेगा चैप्टर का, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये भी एक थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किया गया। एंड नो कंक्लूजन वॉज गिवन फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। अभी क्वांटाइजेशन के बारे में कोई कंक्लूजन नहीं दिया हुआ था, इसके पीछे का बेसिक मैथमेटिकल प्रूफ नहीं था, बेसिकली यहां पर मैथमेटिकल प्रूफ नहीं दिया गया था। सो आ जाते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर क्विकली। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम इज 2.18 × 10⁻¹⁸ जूल। क्या कहा गया है, आयोनाइजेशन एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट। ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट होता है, कितना है, इट इज 2.18 × 10⁻¹⁸ जूल। सो जो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी है वही एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा ग्राउंड स्टेट में, मतलब बेसिकली हमें एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट दिया हुआ है। एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट कितना होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव होता है, सो एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट क्या होगा, −2.18 × 10⁻¹⁸ जूल। सो आप देख रहे हो यहां पे इनडायरेक्टली हमें एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट दी हुई है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट इज व्हाट, सेकेंड ऑर्बिट में क्या होगा। सो ऑर्बिट के साथ में रिलेशन क्या था, हमने देखा था एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू −1/n². सो हमने अगर यहां पे जेड कॉन्स्टेंट है तो इसके लिए स्टडी किया था, जेड अगर कॉन्स्टेंट है सो E1 by E2 कैसे मिलेगा, n² / n² सो यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम लिख सकते हैं हमें E2 निकालना है, सो E2 by E1 =
n1 square by n2 square. So e2 is equals to n1 square by n2 square into e1. So n1 की वैल्यू क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट मतलब ऑब्वियसली n1 की वैल्यू 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1. n2 की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट में जा रहा है ना, इन द सेकंड ऑर्बिट. सो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4. और e1 की वैल्यू कितनी है? इट इज -2.18 into 10 पावर -18. यहां पे सारे ऑप्शन नेगेटिव में दिए हुए हैं, इसीलिए हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. समटाइम्स ऐसा होता है कुछ ऑप्शन पॉजिटिव भी दिए हुए हैं. याद रखिए एनर्जी की बात की जा रही है ऑर्बिट में, तो एनर्जी ऑर्बिट के अंदर हमेशा नेगेटिव ही रहेगी. अब इसे सॉल्व कर लेते हैं. अगर मुझे ये पॉइंट रिमूव करना है, सो पॉइंट रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 218 into 10 पावर -20 हो जाएगा. सो -20 हो गया, पॉइंट रिमूव कर दिया, डिवाइड बाय 4. अब इसे 4 से डिवाइड कर लेते हैं. सो माइनस 4 5 20, 18 बचा, 4 4 16, देन 2 बचेगा, पॉइंट देंगे हम तो 0 आ जाएगा, देन 4 5 20 into 10 पावर -20. वर्बली कैलकुलेशन करना आप सीखिए. अब लेकिन यहां पे 54 दिया है क्या? नहीं, 5.4 दिया हुआ है, मतलब -5.45. अगर हम पॉइंट एक नंबर के आगे शिफ्ट कर रहे हैं तो यहां से 1 कम करना पड़ेगा. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट. क्या दिया हुआ है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. इट इज 24, इट शुड बी 24.6, बट इट्स ओके, 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव बोथ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम विल बी. हमें चाहिए एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव बोथ द इलेक्ट्रॉन्स. सो इसके लिए फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया, इट इज सम ऑफ बाइंडिंग एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी. सो हमें आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए रहेगी. आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इंटू 13.6 है. फॉर हीलियम, हीलियम की बात हो रही है, जेड की वैल्यू 2 होती है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, 2 का स्क्वायर इज 4, डिवाइडेड बाय फर्स्ट ऑर्बिट में ही दोनों इलेक्ट्रॉन है, सो 1 into 13.6. सो 4 से मल्टीप्लाई करने पे हमें कितना मिलेगा? 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो बाइंडिंग एनर्जी था 24 एंड प्लस 54.4. सो ऐड करने पे कितना आ जाएगा? अप्रोक्स इट शुड बी 79. इसको अप्रोक्स हमें 79 लिखना होगा, बट यहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, 24 पॉइंट यहां पर 6 चाहिए था, तो 24.6 अगर आप करते और ऐड करने पे बराबर 79 आ जाता. देन नेक्स्ट है क्वेश्चन, इफ द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन. क्या दिया हुआ है? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है. एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज 2.179 into 10 पावर -18 जूल पर एटम. द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम, एनर्जी ऑफ हीलियम हमें बताना है, ठीक है, ये हमें बताना है, बट सेकेंड. सो ऑर्बिट की बात हो रही है, हाइड्रोजन के केस में एन की वैल्यू क्या दी हुई है? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी. सो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम मींस हीलियम प्लस की बात हो रही है, उसमें हीलियम प्लस की बात हो रही है. सो हमने देखा है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू -z². सो हम कह सकते हैं एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एटोमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन स्क्वायर, एंड एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब ऑलरेडी फर्स्ट आयोनाइजेशन हो चुका है तब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात होगी, तो हीलियम प्लस इज प्रोपोर्शनल टू -z He प्लस द स्क्वायर. सो अगर हम दोनों का रेशियो लेते हैं, सो एनर्जी ऑफ हीलियम डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, इट शुड बी इक्वल टू जेड ऑफ हीलियम द स्क्वायर डिवाइड बाय जेड ऑफ हाइड्रोजन द स्क्वायर. सो एनर्जी ऑफ हीलियम इज जेड फॉर हीलियम, हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर है 2, 2 का स्क्वायर 4, एंड जेड फॉर एटॉमिक नंबर फॉर हाइड्रोजन इज 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, इनटू एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन. सो 4 इनटू एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है? 2.179 इनटू 10 पावर -18
18 जूल्स। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर हम कर लेते हैं तो आंसर आता है 8.716 इंटू 10^-18 जूल्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सी 8 पॉइंट में एक और दिया हुआ है तो एक्यूरेट हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम 13.6 है, व्हाट विल बी द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम। सो अभी तो हमने देखा है कि हीलियम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए हीलियम प्लस के लिए। सेम कंपेयर करके हम सॉल्व कर सकते हैं। E1, E इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, हम ये यूज कर लेंगे। तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोपोर्शनल टू जेड फॉर हाइड्रोजन स्क्वायर एंड एनर्जी ऑफ हीलियम इज प्रोपोर्शनल टू जेड फॉर हीलियम का स्क्वायर। सो एनर्जी ऑफ हमें हीलियम चाहिए, सो डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू जेड फॉर हीलियम डिवाइड बाय जेड फॉर हाइड्रोजन का स्क्वायर। सो एनर्जी ऑफ हीलियम इज इक्वल्स टू जेड फॉर हीलियम इज 2 एंड 2 का स्क्वायर 4, जेड फॉर हाइड्रोजन इज 1 का स्क्वायर 1 इंटू एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। सो 4 इंटू एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज 13.6 दिया हुआ है, सो इट इज 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो इस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। देन लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, यहां पे दिया हुआ है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम। आयोनाइजेशन एनर्जी हमें हीलियम की दी हुई है। हीलियम के लिए एनर्जी कितनी है 19.6 इंटू 10^ हीलियम प्लस के लिए -18। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ लिथियम, तो एनर्जी फॉर लिथियम हमें बताना है। सो ये आपके लिए मैं होमवर्क रख देता हूं, ये क्वेश्चन आप इसे ट्राई कीजिए। अभी तक जैसे हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है उसी का यूज करके यहां पे आप एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, इसका यूज करके आप सॉल्व कीजिए। Z for helium is 2 and Z for lithium is 3. So आप इसे सॉल्व कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में हमें आंसर बताइए। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए। एंड अभी अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड अपने सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, अपने स्टोरी पे शेयर कीजिए, हम आपकी स्टोरी डेफिनेटली शेयर करेंगे। एंड आपको लेक्चर पीडीएफ रिक्वायर्ड है तो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट्स एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।